हूँ आपके साथ रक्षा गुराटे और आप देख रहे हैं आई फोर्स यू न्यूज़। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। राज्यसभा चुनाव में अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। इसकी रणनीति बनाने के लिए महाराष्ट्र में सरकार चला रही महाविकास आघाड़ी सरकार ने आज शाम एक बैठक बुलाई है। इसमें सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के चुनाव प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले शामिल होंगे। महाविकास आघाड़ी ने 29 सहयोगियों को आमंत्रण भेजा है। रणनीति के लिए मीटिंग तक तो मामला ठीक था, लेकिन सरकार में सहयोगी समाजवादी पार्टी ने इसका बहिष्कार किया है। तो वही सरकार को बाहर से सहयोग करने वाली AIMIM ने अभी तक अपनी स्थिति साफ नहीं की है। सरकार का साथ दे रहे निर्दलीय भी अलग अलग मंचों पर सरकार के कामों में खामियां निकालते नजर आ रहे हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि भाजपा की नजर इन निर्दलियों पर ही है। सोमवार को विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कुछ निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की है और कुछ से उन्होंने फोन पर भी बातें की है। हालांकि सीएम कार्यालय से भी इन्हें फोन किया गया और अपने पक्ष में मतदान के लिए कहा गया है। आज शाम मुंबई में होने वाली बैठक के दौरान तीनों बड़े दलों यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं का संबोधन भी होना है। अब देखना होगा कि इस बैठक में छोटे दलों में पार्टी के कौन से नेता आते हैं और कौन नहीं, और ऐसे में माना जा रहा है कि इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो ये थे इस वक्त की बड़ी खबर और आप देखते रहिए आई4यू न्यूज़ और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।